नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया के साथ भारत के संवाद का दिन है। अब से कुछ देर के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन के सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर में पूरी दुनिया के साथ भारत की बात करेंगे। ये कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा मंच होगा और इसमें दुनिया भर के लोग प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे। ये हॉल एक ऐतिहासिक जगह है। इस हॉल ने कई बार इतिहास बनते हुए देखा है और ये वही जगह है जहां 1946 में यूनाइटेड नेशंस की पहली बैठक हुई थी। इस हॉल में महात्मा गांधी से लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे वक्ता दुनिया को संबोधित कर चुके हैं। इसलिए आज इस जगह पर और इस पूरे संवाद पर हमारी विशेष नजर रहेगी। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे भारत ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। एक रिसर्च के मुताबिक वर्ष 2050 तक ब्रिटेन की 20-30% आबादी अश्वेत हो जाएगी और भारतीय वोटर्स इस अप्रवासी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा होंगे। यानी ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टियों के लिए भारतीय वोटर्स एक ट्रंप कार्ड साबित होंगे। किसी जमाने में ब्रिटेन के बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज कभी नहीं डूबता, लेकिन अब ब्रिटेन का सूरज डूब रहा है और भारत का सूरज उदय हो रहा है। इसीलिए अब खुद ब्रिटेन को भारत में उम्मीद की किरण नजर आती है, क्योंकि अब 133 करोड़ की आबादी वाला भारत ही ब्रिटेन का आर्थिक सूर्यास्त होने से बचा सकता है। वैसे यह भी एक विरोधाभास है कि जिस ब्रिटेन ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को अपनी विस्तारवादी नीतियों से लूटा और भारत को गरीबों का देश बनाकर छोड़ दिया, आज उसी ब्रिटेन को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपने बार बार कॉमनवेल्थ देशों का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन आपका ध्यान इस बात पर शायद नहीं गया होगा कि ये उन देशों का समूह है जिन पर किसी जमाने में ब्रिटेन का शासन था और ब्रिटेन ने उन्हें अपना उपनिवेश बनाया हुआ था। भारत भी उन देशों में से एक था, लेकिन वक्त के साथ भूमिकाएं और शक्तियां बदल जाती हैं। आज भारत कॉमनवेल्थ देशों का नेतृत्व करने की स्थिति में पहुंच चुका है। इस वक्त जी न्यूज की टीम लंदन में मौजूद है और हम वहां से एक एक तस्वीर और अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी टीम ने लंदन के माहौल को और वहां की खास तस्वीरों को आपके लिए रिकॉर्ड किया है। आज के डीएनए में आपको इस बड़ी खबर के सारे पहलू देखने को मिलेंगे। ये उस नए वर्ल्ड ऑर्डर का ट्रेलर है जिसका नेतृत्व भारत के हाथों में होगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज लंदन में मेगा शो भारत की बात सबके साथ है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी लोगों के सवालों के जवाब देंगे। भारत की बात कार्यक्रम सेंट्रल लंदन के मशहूर सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर में होगा। ये वही जगह है जहां 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक हुई थी। ये जगह महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जैसे महान हस्तियों की भी मेजबानी कर चुकी है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी राजनीति, पॉलिसी और समाज से जुड़े सवालों का जवाब दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में करीब 1500 लोग हिस्सा ले रहे हैं और उनमें से कुछ पीएम मोदी से सवाल पूछेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे के बीच हुई बातचीत में आर्थिक अपराध करने वालों पर भी चर्चा हुई। विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि दोनों देशों के प्रमुखों के बीच इस विषय पर बातचीत हुई है। इस घटनाक्रम को देश छोड़कर भागने वाले विजय माल्या और ललित मोदी को देश वापस लाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले महीने दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी को माल्या की संपत्ति जब्त करके उसे कुर्क करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने ईडी को माल्या की संपत्ति कुर्क करने और स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए 8 मई तक का वक्त दिया है। भारत और ब्रिटेन आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने पर राजी हुए हैं। ब्रिटेन दौरे पर पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे से मुलाकात की। दोनों देशों के साझा बयान में कहा गया है कि वैश्विक आतंकी संगठनों जैसे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा और आईएस या उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ भारत ब्रिटेन मिलकर एक्शन लेंगे। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भी बात हुई। हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी का दुनिया लोहा मान रही है, आप भी अनुभव करते होंगे। भारत का स्पेस प्रोग्राम दुनिया के टॉप 5 एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में से एक है। कर्नाटक में होने वाले चुनाव का असर भी पीएम मोदी के दौरे पर दिखा। लंदन में पीएम मोदी ने 12वीं सदी के लिंगायत दार्शनिक बसवेश्वर की मूर्ति पर फूल चढ़ाए।
तीन देशों की 5 दिन की यात्रा पर गए पीएम मोदी ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने लंदन में प्रिंस चार्ल्स से भी मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज कर्नाटक दौरे में भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। अमित शाह ने कहा कि हिंदू आतंक का झूठ फैलाने पर राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने देश को बदनाम करने का काम किया है, हिंदू टेरर की व्याख्या करी। टेरर का कोई धर्म नहीं होता श्री राहुल गांधी, आप सुन लो, आपको देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने राहुल पर विदेश में देश की छवि बिगाड़ने का भी आरोप लगाया। एक महान हिंदू संस्कृति जो लाखों सालों से दुनिया को सभ्यता का संदेश देती है, दुनिया को शांति का संदेश देती है, उसको टेररिज्म के साथ जोड़ने का पाप एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। इससे पहले अमित शाह ने बेंगलुरु में लिंगायत संत बसवेश्वर की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। अमित शाह ने शाम को बेंगलुरु में बड़ा रोड शो किया जिसमें भारी भीड़ जुटी। देश के 11 राज्यों में आज भी कैश का संकट रहा। आज अक्षय तृतीया होने से लोगों को कैश की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन एटीएम से लोगों को पैसे नहीं मिले। मुंबई में एक बैंक के बाहर हंगामा भी हुआ। कैश क्राइसिस पर राजनीति भी हुई। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के पूरे बैंकिंग सिस्टम को ओवरहॉलिंग की जरूरत है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने कैश की किल्लत को लेकर सरकार को घेरा। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार के सारे पे ही होल्डिंग हो रही हो, ये मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय साजिश है इसके अंदर। आज एटीएम में पैसे नहीं है और अब 2000 नोट के भी गायब हो रहे। सरकार ने भी पलटवार किया, विपक्ष को राजनीति न करने की नसीहत दी। जब मुद्दों के दिवालियेपन से कोई जूझता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जूझती है, तो उसका हाल यही होता है। सरकार ने कल कहा था कि आरबीआई के पास कैश की कमी नहीं है। वित्त मंत्रालय ने कहा था कि कैश की दिक्कत 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगी। लॉ कमीशन ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाया जाए। बीसीसीआई को पारदर्शी बनाने के लिए लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी है। आयोग ने कहा है कि निजी संस्था होने की वजह से बीसीसीआई को टैक्स छूट और जमीन को लेकर कई तरह की रियायत दी जाती है और अब इसे ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए सार्वजनिक संस्था बना देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में लॉ कमीशन से बीसीसीआई को आरटीआई के तहत लाने के लिए कानूनी जरूरतों की पड़ताल करने को कहा था। इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने पीएमओ के अलावा खेल और कानून मंत्रालय से पूछा था कि अब तक बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं लाया गया है। यूपी सरकार नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के मामलों में केंद्र सरकार से फांसी की सजा का कानून बनवाने की मांग करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि फांसी के कानूनी प्रावधान के लिए यूपी सरकार बकायदा एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजेगी। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा पर पुलिस को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखने, बीट इंचार्ज से एसएसपी तक की जवाबदेही तय करने, महिला हेल्पलाइन को डायल 100 और एंटी रोमियो स्क्वाड से जोड़ने के भी निर्देश दिए। नाबालिग से रेप पर फांसी की मांग एमपी के सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भी कर चुकी हैं। कठुआ में 8 साल की बच्ची से गैंगरेप पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि बेटियों से बर्बरता रोकना सबकी जिम्मेदारी है। वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि कठुआ गैंगरेप पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। हम सभी को सोचना होगा कि हम कहां जा रहे हैं। हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि देश के किसी भी भाग से किसी भी बेटी या बहन के साथ ऐसा ना हो। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि समाज में जरूर कुछ गलत है। The recent happenings against weaker and underprivileged, especially the females, are alarming and have shaken us as a society. कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली बेटियों का खास तौर पर जिक्र किया। राष्ट्रपति बनने के बाद कोविंद का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। कठुआ गैंगरेप और मर्डर केस की वकील दीपिका राजावत पर एक साजिश के तहत इस केस से जुड़ने और कुछ लोगों के इशारे पर केस को उठाने का आरोप लग रहा है। बकरवाल समाज से जुड़े एक नेता बकार भट्टी ने दीपिका राजावत पर यह आरोप लगाया था। बकार भट्टी ने आरोप लगाया था कि शुरू में ये लड़ाई पीड़ित बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ी जा रही थी, लेकिन बाद में इसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल डाला गया। चाहे वो हिंदू एकता मंच हो, चाहे वो
राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, दोनों साइड से अब सियासत हो रही है। जेएनयू के स्टूडेंट हो या प्रेसिडेंट को या किसी नेता को जेएनयू, उनको इतनी हमदर्दी थी तो 3 महीने। जम्मू कश्मीर में आज भी कठुआ केस की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को एक महिला पत्रकार का गाल छूने पर आज माफी मांगनी पड़ी। चेन्नई में सेक्स स्कैंडल को लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राज्यपाल ने पत्रकार का गाल छुआ था। राज्यपाल ने अपने माफीनामे में लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने अच्छा सवाल किया था, इसी की शाबाशी के तौर पर मैंने आपको अपनी पोती जैसा समझकर गाल पर थपकी दी थी। अगर आपको ये बुरा लगा तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। पत्रकार ने राज्यपाल की माफी मंजूर कर ली, लेकिन ये भी लिखा कि उनकी सफाई से वो सहमत नहीं है। इस घटना के खिलाफ कई पत्रकारों ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। डीएमके ने भी कहा कि पुरोहित का आचरण राज्यपाल जैसा नहीं था।